साथियों, बीते 5 वर्षों में दुनिया में तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद भी भारत की ग्रोथ रेट एवरेज 7.5% रही है। और ये भी ध्यान रखिए, पहले की किसी सरकार के पूरे कार्यकाल का एवरेज देखें तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। पहली बार एक साथ लो इन्फ्लेशन, लो फिस्कल डेफिसिट और हाई ग्रोथ का दौर आया है। आज भारत दुनिया के बेहतरीन एफडीआई डेस्टिनेशन में से एक है। साल 2014 से 2019 तक एफडीआई इनफ्लो में करीब करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। अभी हाल में ही हमने सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई के नॉर्म्स को आसान बनाया है। कोल माइनिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में विदेशी इन्वेस्टमेंट अब 100% तक हो सकता है। मैं कल एनर्जी सेक्टर के सीईओ से यहां ह्यूस्टन में मिला। भारत ने कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी का जो निर्णय लिया है उससे वो सारे के सारे लोग बहुत ही उत्साहित नजर आए। उनका फीडबैक है कि कॉरपोरेट टैक्स कम करने के फैसले से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल बिजनेस लीडर्स में बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है। ये फैसला भारत को और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाएगा।